एसपी ट्रैफिक संजय कुमार के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के पांचवें दिन शहर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में रेड लाइट जंपिंग, दोपहिया वाहनों पर तीन सवारियों को ले जाना, बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 351 वाहनों का रेड लाइट जंपिंग, 74 वाहनों का दोपहिया वाहनों पर तीन सवारियों को ले जाने, 351 वाहनों का बिना हेलमेट और 53 वाहनों का बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलने के लिए चालान किया गया। इसके अलावा 11 वाहनों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण जब्त कर लिया गया। नो एंट्री क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर ट्राली का चालान किया गया। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस अभियान में कुल 1007 वाहनों का चालान किया गया और 61,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा है कि यह अभियान जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत आज अभियान चल रहा है हेलमेट चेकिंग का, और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर रामगढ़ ताल पर जहाँ पर काफ़ी पब्लिक आती है, यूथ आते हैं, यहाँ चेकिंग कर रहे हैं, और जो लोग बिना हेलमेट के या ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोगों के जीवन की रक्षा के लिए है, हेलमेट लगा के आप चलेंगे तो जान, किसी भी एक्सीडेंट की स्थिति में, अपनी स्थिति में आपकी जान बचती है, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस इतना परसू करती है हेलमेट यूज करें। अब प्रार्थना होगी स्वीकार, जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।